नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सो फाइनली हम लोग वी आर बैक आफ्टर 15 डेज एंड द एग्जाम्स आर ओवर। सो क्या आप लोग के लिए लाई हूँ कुछ इंस्पिरेशनल सा। होप आप लोग को इससे थोड़ा आइडिया लगे कि कैसे लाइफ में क्या बोलें क्या ना बोलें, क्या करें या ना करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लोग क्या सोचते हैं उससे हमें क्या। लाइफ में हमेशा ये चीज़ सोच के चलिए कि किस कौन क्या सोच रहा उससे आपको नहीं मतलब है, आपको उससे मतलब नहीं रखना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फैमिली में पेरेंट्स को अपने बच्चों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए एक समय के बाद, क्योंकि उन्हें भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। लेट देम बी इंडिपेंडेंट, उनको भी अपने आप से सोचने का मौका मिलना चाहिए। वो ज़्यादा सीखेंगे, उनका दिमाग खुलेगा, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकेंगे। तो लाइफ में एक चीज़ ध्यान रखिए कि अपने बच्चों को आज़ादी ज़रूर दें। लाइफ सिर्फ एक फोर लेटर वर्ड है, लेकिन इसके अंदर जब आप जाओगे तो इतनी हर्डल्स हैं, इतनी बाधाएं हैं। अच्छी चीज़ें भी हैं, साथ में प्रॉब्लम्स भी होते हैं। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहते। इसका बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि लोग घबराते हैं अपने बारे में बताने में, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग हंसी उड़ाते हैं। या यही एक रियलिटी है हमारे स्पेशली इंडिया में ऐसा होता है। वैसे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इंडिया में, हर जगह चले जाओ लोग कतराते हैं बोलने से, लेकिन हम लोग को ओपन अप होना चाहिए। और इवन जिसको भी ये सब प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें एक मदद देने का प्रयास करना चाहिए, हमें भी उनको सहायता देनी चाहिए। जो भी अगर एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं उनको हमें मदद देनी चाहिए। हमारा फ़र्ज़ बनता है ऐसे लोगों को सहायता देने का। अगर किसी को भी कुछ तरह की इश्यू होती है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्प। मैं अपने दिल से चाहूँगी आप लोगों के लिए मदद करना। हमें काइंड रहना चाहिए विद द सफरर्स एंड विद द नॉर्मल पीपल। हमें हमेशा सबको एक अच्छे भावना से देखना चाहिए। एक इंसान ही एक दूसरे इंसान का दर्द समझ सकता है, जो कि और कोई नहीं समझ सकता। कभी कभी क्या हो जाता है कि चीज़ें मजाक में ही ऐसे चीज़ों में टर्न हो जाती हैं कि लाइफ में आप फिर खुद ही नहीं समझ पाते हो कि चल क्या रहा है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि मज़े में थिंग्स टर्न इन अ वेरी ड्रास्टिक वे। मैंने ऐसा रिएक्शन नहीं एक्सपेक्ट किया था फ्रॉम दैट पर्सन, बट आई गॉट सच अ रिएक्शन एंड आई गॉट शॉक अबाउट इट। तो लाइफ में हमेशा बोलने से पहले चार बार सोच लेना चाहिए कि हम ऐसा बोलें या ना बोलें, क्योंकि आपको नहीं लगता होगा। अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, लोग सोचते नहीं बोलने से पहले, कुछ भी बोल देते हैं। फेस टू फेस में फिर भी कुछ था कि लोग एक बार बोलने से पहले चार बार सोचते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के कारण और चीज़ें बुरी होती जा रही हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि एक बार ज़रूर आप लोग बोलने से पहले चार बार सोचें। ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है सीखना। ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, मैं ये नहीं कि मैं सब आप लोग को कह रही हूँ, मुझे भी रखना है याद, मेरे भाई को भी रखना है, मेरी फैमिली को भी रखना है, सबको रखना चाहिए इस चीज़ को याद। चलिए जो होता है सो होता है। अब मैं खुश हूँ कि मैं खुश हूँ और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वेल, अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब काफ़ी चीज़ें प्लान किया है मैंने, अब क्या करना है नेक्स्ट। थोड़ा सा ब्रेक मिल गया है, सेकेंड सेमेस्टर्स ओवर हो गए हैं एंड या आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। स्ट्रेस रिलीफ हो गया है एंड मैं चाहती हूँ अगर जिनको मेरी बातें अच्छी लगी हों वो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और
हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारे ये मोटिवेशनल एंड इंस्पायरेशनल स्पीच. इसी अच्छे गुड नोट पे लेट्स एंड दिस चिट चैट विद आश.